हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो ऑफ ग्रो विद मनी, ट्रेडर्स फेवरेट यूट्यूब चैनल, जिस पर हम हर वीक दो न्यू वीडियो पोस्ट करते हैं और हर वीडियो में दो नए इंडिकेटर की पूरी जानकारी हिंदी में आपके साथ शेयर करते हैं। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं कि डबल टॉप एंड बॉटम को ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसको एग्जैक्टली फाइंड करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, वो भी बहुत ही सिंपल वे में। इस वीडियो में हम ऑटो डबल टॉप्स एंड बॉटम के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं तथा मैं आपको डिटेल में फिक्स एंट्री, फिक्स एग्जिट तथा फिक्स टारगेट की स्ट्रेटेजी को भी बताऊंगा। यह स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी तथा यह आज का वीडियो बहुत ही लर्निंग और प्रॉफिटेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। आज के वीडियो में हम टॉप्स एंड बॉटम इंडिकेटर को जानेंगे तथा बेस्ट प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को भी सीखेंगे। आज हम कुछ स्टॉक्स तथा कमोडिटी फीचर्स पर इसका बैक टेस्ट भी करेंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि न्यू एंड फ्रेश कंटेंट आप तक पहुंच सके। सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइस एक्शन सभी में सेम ही होता है, चाहे वह इक्विटी हो या कमोडिटी हो या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करते हों या फिर फॉरेक्स मार्केट के ट्रेडर्स हों, यह स्ट्रेटजी सभी में समान रूप से कार्य करती है। अब सबसे पहले सवाल यह उठता है कि यह डबल टॉप स्ट्रेटजी क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट में डबल टॉप एक बेरिश रिवर्सल ट्रेडिंग पैटर्न होता है। यह दो पीक्स के रूप में बनता है। पहला पीक्स एक बुलिश मोमेंटम के बाद बनता है, उसके बाद प्राइस रिट्रेस होता है और फिर प्राइस ऊपर जाने के बाद दूसरा पीक बनाकर प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है। इसे हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और प्रॉफिटेबल न्यू टॉप्स एंड बॉटम इंडिकेटर को देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग टूल्स को जान लेते हैं। हमारा पहला इंडिकेटर है डबल टॉप्स एंड बॉटम इंडिकेटर। हर बार की तरह इंडिकेटर पर जाएंगे कि ट्रेडिंग व्यू की साइट में निफ्टी फ्यूचर का हमने चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इंडिकेटर्स पे क्लिक करके लिखेंगे डबल टॉप्स एंड बॉटम EOU, डबल टॉप्स एंड बॉटम। देखिए ऐसे डबल लिखते ऐसे ये आ जाएगा डबल टॉप्स एंड बॉटम। इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये हमारा इंडिकेटर ऐड हो चुका है डबल टॉप्स एंड बॉटम। देखिए इसके रूप में ये जो दिखाई दे रहा है सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंट, ये रेजिस्टेंट और सपोर्ट के रूप में ये ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है ABCD पैटर्न, इसको हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, डबल टॉप या बॉटम। जैसे यहाँ इस केस में यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है। तो ये हमारा पहला इंडिकेटर ऐड हो चुका है डबल टॉप्स एंड बॉटम इंडिकेटर। इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, ये टेबल दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करेंगे और ये टेबल पे अनचेक कर देंगे। ये हमारा पहला इंडिकेटर ऐड हो चुका है डबल टॉप्स एंड बॉटम इंडिकेटर। देखिए ये सपोर्ट लाइन से प्राइस का मूवमेंट शुरू होता है और ये रेजिस्टेंट की लाइन है, जैसे इसको क्रॉस करेगा तो प्राइस मोमेंटम बनेगा। अब हम इस पे दूसरा इंडिकेटर भी हम ऐड कर लेते हैं जिससे इसकी एक्यूरेसी और हाई हो जाए, वो है प्रीमियर RSI ऑसिलेटर इंडिकेटर। इंडिकेटर जाएंगे प्रीमियर RSI ऑसिलेटर इंडिकेटर बाय लेजीवियर, फेवरेट में ऐड कर देंगे इसको बेड करके। देखिए ये हमारे दोनों इंडिकेटर ऐड हो चुके हैं, नीचे जो दिखाई दे रहा है ऑसिलेटर इंडिकेटर। अब ये हमारे दोनों इंडिकेटर ऐड हो चुके हैं स्क्रीन पर। अब हम इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं और ट्रेडिंग रूल्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। लेट्स फाइंड द ट्रेड। अब हम कोई भी इंडिकेटर जैसे इंडिकेट करेगा तो हम अपना ट्रेड फाइंड आउट करेंगे और इस कंप्लीट स्ट्रेटेजी को समझेंगे। देखिए इस केस में क्या है कि एक डबल टॉप पैटर्न बना है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ABCD। अगर हम इन लाइनों को देखें इस तरह से, यहाँ से ए बना,
ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है कि जैसे ए बी सी डी बना और डी के नीचे जैसे ही प्राइस गया तो ये हमारा सेल सिग्नल दे रहा है, डबल टॉप बन गया और नीचे जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ आने लगा। तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल दिया है हमें डबल टॉप इंडिकेटर ने, और नीचे जो इंडिकेटर है RSI प्रीमियर RSI इंडिकेटर, इसमें एक जीरो के नीचे होना चाहिए यानी रेड कलर की वार्स होनी चाहिए और जीरो के नीचे होना चाहिए RSI इंडिकेटर प्रीमियर RSI। तो ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन, इस ट्रेड को कंफर्म करने के लिए एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि इस पे दिखाई दे रही है एक लंबी सी बेरिश कैंडल, देखिए ये। तो तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई हैं। अब यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, देखिए ये शॉर्ट पोजीशन रहेगी जिसका स्टॉप लॉस सी पॉइंट पर रहेगा और टारगेट 1:2 का रखेंगे इस ट्रेड के लिए हम 1:2 का टारगेट। अब देखते हैं कि ये ट्रेड किस तरह से परफॉर्म किया है। देखिए मार्केट ने हमारे टारगेट को कम्प्लीटली हिट कर दिया है केवल कुछ ही मिनट के अंदर में। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेना है सी पॉइंट पे, डी के नीचे जैसे ही प्राइस जाएगा शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे और सी के जो सी पॉइंट है उस पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रखेंगे। तो मार्केट ने कम्प्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। अगर इस शॉर्ट पोजीशन के लिए इसी तरह अगर डबल बॉटम बनता है तो वहाँ किस तरह से ट्रेड करेंगे वो भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। ये हमारा निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, इस पर हम कोई ट्रेंड फाइंड आउट करके देखते हैं किस तरह का ट्रेड बनेगा, डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न जो भी बनेगा। पहले देखिए इस केस में क्या हो रहा है, डबल बॉटम बन गया है हमारा। ये जो पहला इंडिकेटर है टॉप्स एंड बॉटम इंडिकेटर, इसने हमें बॉटम बनने का इंडिकेट किया है, और दूसरा ये जो ऊपर रेजिस्टेंट लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर प्राइस मूव होने लगा है यहाँ पे, और इसको ट्रेड को कंफर्म करने के लिए नीचे जो प्रीमियम RSI इंडिकेटर है वो जीरो के ऊपर है यानी कि ग्रीन कलर्स की बार हैं। और थर्ड कंडीशन हमारी इस ट्रेड को कंफर्मेशन के लिए एक बुलिश कैंडल निकली है जो कि बी पॉइंट के ऊपर निकली है, जो सी पॉइंट के ऊपर से निकली है ABCD। अब यहाँ से ये बुलिश जो कैंडल बनी यहाँ पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे लॉन्ग ट्रेड। तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है इस ट्रेड पे, इस कैंडल पे, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे इस पॉइंट के नीचे रेड कलर की लाइन के नीचे, और टारगेट रहेगा वही 1:2 रिस्क एंड रिवर्ड रेशो। हो गया 1:2 का टारगेट। अब देखिए दो लाइन डाल देते हैं हम ऊपर टारगेट की और उसकी, ये हमारी टारगेट लाइन है और नीचे में ये हमारी स्टॉप लॉस की लाइन हो जाएगी। अब देखते हैं ये ट्रेड किस तरह से परफॉर्म किया है। हमारा ट्रेड बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार चूंकि कभी कभी जब स्टॉप लॉस और टारगेट बड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा सा टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्टॉप लॉस के नज़दीक से प्राइस का रिवर्सल हो गया है, ट्रेड अभी भी परफेक्टली चल रहा है। देखिए यहाँ पे आके मार्केट ने कम्प्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है ये पॉइंट पे। तो एक हमने लॉन्ग ट्रेड देखा, एक शॉर्ट ट्रेड देखा, हम डबल बॉटम को भी देखा और डबल टॉप्स को भी हमने फाइंड आउट करके देखा।
तो दोनों ही कंडीशन में मार्केट ने हमारे टारगेट को कम्प्लीटली हिट कर दिया है। अब अगर हम बात करें, अगर कुछ लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसके भी हम एक दो टेस्ट करके देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। अभी हमने क्रूड ऑयल का कमोडिटी फ्यूचर में 5 मिनट का चार्ट लिया है, इस पर देखेंगे अगर कोई ट्रेड आता है। देखिए इस केस में क्या हुआ है, डबल टॉप बना हमारा, तो पहला जो इंडिकेटर है डबल टॉप इंडिकेटर, इसने हमें सेल सिग्नल दिया, डबल टॉप बनाने का इंडिकेशन दिया। और दूसरा, जैसे ये डबल टॉप बना उसके बाद ये प्राइस जो बॉटम बना था उसके नीचे आने लगी, एक बड़ी सी स्ट्रेट कॉन्फर्मेशन के लिए एक बड़ी सी बुलिश बेरिश कैंडल बनी। और थर्ड कंडीशन जो है प्रीमियर RSI इंडिकेटर 0 के नीचे, यानी कि रेड कलर्स के बार्स के रूप में है, तो यहाँ पे हम अपना एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं इस पॉइंट पे, और जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाले पॉइंट के ऊपर, और टारगेट रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:2 का हो गया है। अब हम इस ट्रेड को देखते किस तरह परफॉर्म किया है। देखिए हमारा ट्रेड एकदम परफेक्टली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मार्केट ने हमारे टारगेट को कम्प्लीटली यहाँ पे हिट कर दिया है। तो ये एक डबल टॉप का एक और एग्जांपल हमने लेके देखा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। लेट्स फाइंड द ट्रेड। अब ये क्रूड ऑयल का 5 मिनट का ही चार्ट है, इस पर फिर से हम कोई ट्रेड फाइंड आउट करके देखेंगे। देखिए इस केस में हमें जो पहला इंडिकेटर है डबल टॉप एंड बॉटम इंडिकेटर, उसने एक टॉप बॉटम बनने का संकेत दे दिया है पहले यहाँ पे। और दूसरा, इस ट्रेड को कंफर्म करने के लिए ये जो पहला वाला जो टॉप बना था उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, ये बुलिश कैंडल बनी इस ट्रेड को कंफर्म करने के लिए। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या है, प्रीमियर RSI इंडिकेटर 0 के ऊपर होना चाहिए, यानी ग्रीन कलर की बार होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे हमारी फुलफिल हो रही हैं, तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन ये वाली कैंडल पे जो पहले वाले टॉप से ऊपर निकलेगा प्राइस, उसके बाद ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। तो इस कैंडल पे हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे इसके बॉटम के नीचे, और टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखेंगे। वन इज टू टू। अब देखेंगे इस ट्रेड को, प्रोसेस को आगे ले चलते हैं, देखते हैं किस तरह का परफॉर्म कर किया है। देखो हमारा ट्रेड बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे चूंकि टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स हैं, इसलिए हमको अपने फिक्स, अब देखिए इस केस में क्या हुआ है कि बीच में एक डबल टॉप जैसा बन गया है, लेकिन हमारी कंडीशंस मैच नहीं हो रही हैं, क्योंकि प्राइस इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा तब तक एग्जिट नहीं करेंगे ये डबल टॉप से, क्योंकि एक्सेल पोजीशन जब आएगी जब इस पॉइंट के नीचे, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसके नीचे प्राइस आएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसके नीचे नहीं गया है रेड लाइन के, तब तक ये सिग्नल को सिंपली अवॉइड कर देंगे हम, और अपने बाय सिग्नल को कंटिन्यू मेंटेन करके रखेंगे। डबल टॉप बनने के बाद प्राइस नीचे जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं हुआ है, प्राइस फिर से ऊपर की तरफ ही मूव करने लगा है। देखिए इसको हम
अभी हमारा ट्रेड बाय का ही परफेक्टली चल रहा है। देखिए इस केस में शायद हमारा टारगेट हिट हो गया है। ये देखिए इस कैंडल पे आके हमारा टारगेट कम मार्केट ने कम्प्लीटली हिट कर दिया है। तो हमने इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में बाय और सेल दोनों ही कंडीशन में देखे, मार्केट ने कम्प्लीटली टारगेट हिट कर दिया है। स्ट्रेटजी को कम्प्लीट समझें, और जो बीच में अभी एक सिग्नल आया था उस तरह के सिग्नल्स पे घबराएं नहीं, उनको देखें कंडीशन फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और अपने फिक्स टारगेट पर फोकस करें और स्टॉप लॉस अवश्य रखें ट्रेडिंग करते वक्त, क्योंकि कभी भी कोई भी इंडिकेटर कभी भी गलत हो सकता है। मार्केट में 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं होती है। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।